पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। वहीं इसी को लेकर टीएमसी और बीजेपी में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने हमेशा राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ये 100 साल की यात्रा काफ़ी विशेष रही है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो सपना देखा था, ये संस्थान उस सपने को ऊर्जा दे रहा है। पीएम ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन की नींव काफी वक्त पहले रख दी गई थी। देश के आध्यात्मिक सांस्कृतिक आंदोलन को भक्ति युग ने मजबूत किया। वहीं प्रधानमंत्री ने इस दौरान छात्रों को एक टास्क भी दिया। महामारी के दौरान इस बार विश्व भारती के मेले का आयोजन नहीं हो सका। उन्होंने टास्क दिया कि विश्व भारती के छात्र छात्राएं मेले में आने वाले लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें कि उनकी कलाकृतियों को ऑनलाइन आखिर कैसे बेचा जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।